अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को हर रोज़ सेहत से जुड़ी हुई और मेडिसिन से जुड़ी हुई जानकारी देने की कोशिश करता हूं। इसी तरह आज भी आप लोगों को ज़िरोडॉल पी टैबलेट के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, यानी पूरी वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को कुछ जानकारी और कुछ समझ हासिल हो सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, ये वीडियो एजुकेशनल है, इसलिए आप लोग इसको जानकारी तक सीमित रखें, आप लोग इससे जानकारी हासिल करें। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले या कोई भी उपाय करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह व मशवरा से ही उस मेडिसिन का यूज़ करें या फिर कोई उपाय करें। दोस्तों, खुद से कोई भी मेडिसिन ना ले ताकि आपको नुकसान ना हो सके। दोस्तों, आप अगर खुद मेडिसिन लेते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान कर जाए। आज जानेंगे हम लोग के ज़िरोडॉल पी टेबलेट क्या क्या फ़ायदे करते हैं और इसके क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ज़िरोडॉल पी टेबलेट के फ़ायदे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है और ऑस्टियोआर्थराइटिस की जिसको दर्द होता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मदद और राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों रूमेटाइड। रूमेटाइड के दर्द में भी बहुत ही अच्छा मददगार साबित होता है और राहत दिलाने में मदद करता है। उसके बाद आता है जोड़ों में दर्द। जिस किसी के भी जॉइंट के अंदर दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उस जोर के दर्द में जो है राहत दिलाने में और मदद करता है दोस्तों। उसके बाद आता है मोच के दर्द। किसी के भी मोच हो जाए, किसी भी जगह पे शरीर के किसी भी अंग पे मोच आ जाए, उस मोच से राहत दिलाने में, उस दर्द से राहत दिलाने में बहुत ही अच्छा मददगार साबित हो सकता है ज़िरोडॉल पी टेबलेट। उसके बाद आता है मांसपेशियों के दर्द। दोस्तों, मांसपेशियों में अगर दर्द होता है, किसी भी कारण से दर्द होता है और उस दर्द से आप निजात पाना चाहते हैं, उस दर्द से आप राहत पाना चाहते हैं, तो ज़िरोडॉल पी टेबलेट का यूज़ करके जो है उससे लाभ और निजात पाया जा सकता है। दोस्तों, उसके बाद आते हैं बुखार में भी ये फ़ायदा करता है। आपको अगर बुखार हो गया है और आपके पास किसी भी प्रकार का टेबलेट या मेडिसिन नहीं है, तो इससे जो है आप फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, ये दर्द के लिए बहुत ही अच्छा, मुफीद और फ़ायदेमंद है। दोस्तों, शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी जगह पे दर्द हो जाए, उस दर्द से राहत दिलाने में, चाहे मांसपेशी में हो, चाहे हड्डी में, चाहे किसी भी हिस्से में दर्द हो, उस दर्द से राहत दिलाने में बहुत ही अच्छा मददगार साबित होता है। बदन दर्द में बहुत ही अच्छा मददगार साबित होता है। यहाँ तक कि दोस्तों, सिर के दर्द में भी बहुत ही अच्छा मददगार साबित होता है और राहत दिलाता है सिर दर्द से। तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि ये जो है ज़िरोडॉल पी सबसे ज़्यादा जो है दर्द में बहुत ही अच्छा काम करता है। पेन किलर जो है टेबलेट ये है, तो ये बहुत ही अच्छा जो है दर्द के लिए फ़ायदा करता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि इनके साइड इफ़ेक्ट और नुकसान क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो बदहजमी हो सकता है। उसके बाद आता है सीले में जलन हो सकता है। उसके बाद होता है रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद सिंड्रोम जो है हो सकता है। उसके बाद होता है मेनिनजाइटिस हो सकता है, लीवर को क्षति हो सकता है। उसके बाद एनीमिया हो सकता है। उसके बाद एडिमा हो सकता है। ये थे मुख्य कुछ जो है साइड इफ़ेक्ट और नुकसान। और माध्यम साइड इफ़ेक्ट की बात करें, जो उससे कम वाली साइड इफ़ेक्ट के दर्जा में है, तो उसके बाद आएंगे पेट में दर्द हो सकता है। उसके बाद जो है कब्ज़ हो सकता है, पीलिया हो सकता है, चमड़ी पर लाल दाने आ सकते हैं, मितली या उल्टी हो सकता है, चक्कर आ सकता है, सूजन हो सकता है, लाल चकते आ सकते हैं, एलर्जी हो सकता है, दस्त हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने ज़िरोडॉल पी टेबलेट के फ़ायदे, लाभ और बेनिफिट के बारे में जानकारी ली। उसके बाद फिर साइड इफ़ेक्ट और नुकसान के बारे में और दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी ली। अब हम लोग जानेंगे कि इसका डोज कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में बताता हूं कि मरीज़ को जब तक देखा ना जाए, उसकी कंडीशन को जब तक देखा ना जाए, उसकी इतिहास को जब तक देखा ना जाए, उसकी उम्र और एज को जब तक देखा ना जाए, तब तक जो है डोज को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों,
अगर मेरा वीडियो, मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी को दबा दें ताकि नए नए वीडियो और नई नई जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके।